बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अदील हामिद, और आज क्योंकि हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की थी, एज यू नो कि हम लोग जो सी प्रोग्रामिंग है उस बारे में बातें करते जा रहे थे। हम लोग अपने सिलेबस के अंदर जो प्रोग्राम हुए हैं उन प्रोग्राम्स को डे बाय डे जो है वो करते जा रहे हैं। तो आज जो प्रोग्राम मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है कि हम 2, 3, 4 और 5 का, यानी कि एक टेबल लिखना है हम लोगों ने 2 का, 3 का, 4 का और 5 का by using the C language। और इसके लिए जो हम आई डी यूज़ करते जा रहे हैं, एज यू नो कि हम लोग कोड ब्लॉक जो आई डी है वो यूज़ करते जा रहे हैं, जिसको मैंने अभी जो है वो स्टार्ट किया। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। आपको हम लोग इसके अंदर जो है ना वो लूप्स यूज़ करेंगे, और इसके लिए जो लूप यूज़ होंगे वो 2 लूप यूज़ होंगे। यानी कि क्योंकि हम लोगों ने एक ही प्रोग्राम के अंदर क्या करना है, और शॉर्ट कोड्स के अंदर हम तो टेबल है 2 का वो भी प्रिंट करवाना है, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी टेबल जो है वो प्रिंट करवाना है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली इसी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम ये काम जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो प्रोजेक्ट है वो एक नया वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं न्यू जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ, और ये कंसोल एप्लीकेशन, और यहाँ गो पे करते हैं और नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से सी। आप कोई सा भी आई डी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी क्योंकि कोड ब्लॉक जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, तो आप कोई सा भी जो अपना है आई डी वो यूज़ करते हुए इसको कर सकते हैं। तो मैं कर सकता हूँ टेबल्स फॉर 2, 3, 4 एंड 5, ये कर लेते हैं, और नेक्स्ट फिनिश। तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे सोर्सेज पे जाके क्लिक करके मेन जो है उसके ऊपर वहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, तो ये हमारा पहले से बिल्ट इन जो बना हुआ आ जाता है वो आ जाता है। तो यहाँ से अगर मैं इसको ये बिल्ड एंड रन पे क्लिक करता हूँ, ये क्या करेगा, ये मेरा जो कंसोल एप्लीकेशन कंसोल है वो शो कर रहा है कि हेलो वर्ड जो है वो लिखा हुआ प्रिंट होके आ रहा है, और ये वही वाला हेलो वर्ड है जो यहाँ प्रिंट एफ से हम लोगों ने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक स्पेस बार प्रेस कर देता हूँ ताकि कंसोल हमारा खत्म हो जाए। अब हमें करना क्या है, पहले हम बात करेंगे कि हम 2 का टेबल कैसे प्रिंट करते हैं, और फिर उसकी मदद से यानी उसको लूप के तौर पे फिर जो हम क्या करेंगे हम चलाएंगे। तो सबसे पहले काम कि मैं यहाँ से लेट्स सपोज मैं एक जो है वो एक वेरिएबल ले लेता हूँ। चलें मैं साफ करता हूँ, इंट एन इज इक्वल टू 2, और ये सेमी कॉलन मैंने लगा दिया है क्योंकि ये टर्मिनेट होता है। तो अब क्या है, अब ये जो 2 का टेबल वो मैंने प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक फॉर लूप लगा दूंगा। फॉर यहाँ से मैं इंट आई, क्योंकि इसका काउंटर वेरिएबल है वही है आई इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट करें, 2 1s are 2, मतलब 1 से लेकर 10 तक उसने टेबल लेना, और आई इज लेस देन इक्वल टू 10, जब तक कि आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती तब तक ये रिपीट करता रहे। एंड देन हम लोग कर रहे हैं जी यहाँ पे आई में एक का इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। यहाँ से हम लिखेंगे जी इसकी बॉडी, और इस बॉडी के अंदर हम लोगों ने क्या करना है जी, हम लोगों ने एक प्रिंट एफ जो स्टेटमेंट है चले वो यूज़ करते हैं जी, प्रिंट एफ, और इसके अंदर हम लिख देते हैं द टेबल ऑफ परसेंट डी इस, आगे मैं ये लगाता हूँ, यहाँ पे हम लगाते हैं कोमा, और ये एन लगाया मैंने, और इसको मैंने सेमी कलन दिया। अच्छा चलें, अब किया हमने क्या है, ज़रा मैं आपको बताता हूँ, एक दफ़ा इसको ना कंपाइल करके रन करके देखते हैं कि क्या हुआ। ये देखिए ज़रा, द टेबल ऑफ टू इज, द टेबल ऑफ टू इज, यानी ये 10 दफ़ा द टेबल ऑफ टू इज उसने कहा। क्यों, यहाँ पर जो लिखने का फॉर्मेट होता है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो परसेंट डी है इसकी जगह पे यहाँ कोमा के बाद जो हम वैल्यू लिखते हैं वो वेरिएबल की वैल्यू जो वो यहाँ पे आ जाती है। मतलब मैं एक यहाँ पे कोई और वैल्यू भी लिख सकता था, मतलब यहाँ पे मैं जो वैल्यू लिखूंगा इस पहले परसेंट डी की जगह पे वो आ जाएगी। तो अब वैसे मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पे ना एक स्लैश एन कर देना चाहिए ताकि वो नीचे वाली लाइन के ऊपर आए। लेट्स सी,
इससे हमारा कोई फर्क पड़ा। हाँ देखें, द टेबल ऑफ टू इज, द टेबल ऑफ टू इज, द टेबल ऑफ टू इज एंड दिस वन। इसका मतलब मुझे वैसे हकीकत में ये तो नहीं करना चाहिए था, मुझे टू वन टू 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 आर फोर और इस प्रकार के हमें करना चाहिए था। तो यहाँ से तो इसमें क्या है जी, अब हमारे पास जो है वो, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे। अच्छा तो ये क्योंकि मुझे बार बार ये तो नहीं प्रिंट करना था, तो मैं ये इस प्रिंट एफ को क्या करता हूँ, मैं इस प्रिंट एफ को उठाता हूँ, कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, कट करते हैं और इसको यहाँ इधर ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। अब मेरा लूप चल के यहाँ पे मैं चले कुछ भी अभी तो देख लें तो वैसे ही चलेगा। और यहाँ पे द टेबल ऑफ टू इज मतलब ये आएगा और इसके नीचे टेबल ऑफ टू जो है वो आ जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो जो टू का टेबल है वो प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो प्रिंट एफ से हम करते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा लॉजिक को अपने से कोशिश करनी है कि हमारा क्या आएगा, परसन डी यानी कि टू की वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इधर डालता हूँ कोमा एन, मतलब क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा टू, उसके क्या क्या आना चाहिए, उसके बाद क्रॉस का निशान आना चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया एक्स लगा दिया और आगे मैं क्या कर रहा हूँ परसेंट डी। और यहाँ पे टू वन जार टू 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 जार फोर, तो यहाँ पे मैं कोमा लगा के यानी इसकी जगह पे वन टू थ्री फोर फाइव चेंज होते रहना चाहिए और यहाँ पे एन की असेंबली वो ऊपर हमने जो टू दिया हुआ वही आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, आई लिख रहा हूँ। तो लेट्स सपोज हम देखते हैं कि ये क्या होगा, इससे क्या आउटपुट आती है। अच्छा यहाँ पे उसने क्या दिया जी, यहाँ हमने ये टर्मिनेटर नहीं लगाया हुआ। तो देखें उसने क्या किया, टू वन जार टू टू जार टू थ्री जार टू इस तरह करके दे दिया। चले मैं इसको थोड़ा सा और सेट करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं यहाँ पे स्लैश एन, ताकि वो नई लाइन के ऊपर चला जाए, स्लैश एन किया और अब इसको करके देते हैं। अब आपको सही तौर पर नजर आ रहा है टू वन जार टू टू जार टू थ्री जार टू टेन जार। अच्छा अब हमने करना क्या है, अब हम चाहते हैं कि इक्वल टू इसका जो आंसर है वो भी आए, तो हम यहाँ पे इक्वल का निशान लगाते हैं और यहाँ पे परसेंट डी लगा देते हैं। और मैं क्या करता हूँ, बल्कि यहाँ से हम ऐसा करते हैं एक इंट आर, एक वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल के अंदर किसकी वैल्यू स्टोर करवाते हैं, एन मल्टीप्लाई बाय आई और सेमीकोलन, और ये जो आर है इसको हम यहाँ पे इस परसेंट की जगह पे लगाते हैं यानी आर। अब क्या होगा, अब इधर ये टू, यहाँ पे आई की वैल्यू वन टू थ्री फोर जो चेंज हो रही होगी और यहाँ पे वो जो रिजल्ट मतलब आर आएगा जो मल्टीप्लाई होके बाद आएगा। अच्छा अब इसको करके देखते हैं तो क्या हुआ, हमारे पास देखें टेबल जो टू का था वो प्रिंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी को यूज करते हुए थ्री फोर फाइव इस तरह का टेबल जो है वो प्रिंट करेंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारा पास जो कोड है वो बार बार हमें इसी तरह का कोड जो है वो थ्री के लिए भी अब लिखना पड़े, फोर के लिए लिखना पड़े और फाइव के लिए। हम क्या करेंगे, एक और जो लूप है वो यूज कर लेते हैं और वो लूप यहाँ से हम ऊपर स्टार्ट करते हैं ताकि ये सारा का सारा जो नीचे वाला कोड हमारा ये वाला कोड है वो ऊपर वाले जो कंट्रोल लूप है उसकी मदद से चले। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फॉर लूप लगाते हैं और इसको कर लेते हैं जी इंट जे इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट हमारा टू से, क्योंकि हम पहले टू का टेबल लिखना चाहते हैं, फिर थ्री फिर फोर का और इस तरह करके यहाँ पे आ गया हमारा सेमीकोलन, फिर उस कब तक चलता रहे और कब तक जी जे इज लेस देन इक्वल टू फाइव यानी फाइव तक चलता रहे सेमीकोलन, और उसके बाद जे में हम क्या कर देंगे एक इंक्रीमेंट करेंगे और इसकी बॉडी लिखते हैं। और ये एक जो इसकी जो ब्रैकेट है वो हमें जो है वो यहाँ से रिमूव करके कहाँ तक चलानी है, यानी ये जो पूरा का पूरा लूप चल रहा है इस लूप के बाहर, मतलब यहाँ पे जाके हमारा बाहर वाला जो लूप है वो एंड होगा और फिर नेक्स्ट टाइम ऊपर की तरफ जाएगा। लूप के कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको लूप के बारे में ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो बताऊंगा। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको n की बजाय अब इसमें क्या स्टोर करवाते हैं j। तो पहली दफ़ा इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 यहाँ पे आएगी और n की वैल्यू 2 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो इधर वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 4 एंड 5। इस तरह से हमारा जो प्रिंट है वो होता रहेगा। लेट्स सी ले जी हमारी आउटपुट आ गई, पहले 2 का द टेबल ऑफ 2 इज, द टेबल ऑफ 3 इज,
टेबल ऑफ 4 इज टेबल ऑफ 5 इज। तो इस तरह से हमारा क्या है, हमारा जो आउटपुट है वो एज रिक्वायर्ड जिस तरह से हमें चाहिए था कि उस तरह से आगे हुआ। अब अगर मैं कोई सी भी तरह का मतलब यहाँ पे अपना लूप जो है वो ये 10 तक टेबल लिखना चाहता हूँ, 5 तक, 9 तक, मतलब किसी भी वैल्यू तक मैं टेबल लिखना चाहता हूँ 2 से लेगा, तो मैं यहाँ से इजीली लिखता हूँ, मैं क्या कर दूँ यहाँ पे 6 कर दूँ, करते हैं 20 कर देते हैं। तो अब देखिए ज़रा क्या होता है, तो अब उसने क्या किया 20 तक टेबल्स जो वो कर दिए हैं, 2 से लेकर 20 तक सारे टेबल कर दिए। और ये देखें टेबल मैंने क्या 10 तक सेव किया हुआ है, अब इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पे अगर कर दें कि ये इसको कर देते हैं जो 50 तक जो टेबल है वो प्रिंट हो, तो क्या होगा देखें, लें जी लें देख लें उसने क्या किया, हमारा जो टेबल है वो 50 तक प्रिंट किया, मतलब ये कि ये 2 का टेबल है ना, तो 250 आर 100, ये देख लें। फिर आगे 3 का टेबल इससे 50 टाइम, फिर 4, 5, 6 और ये 20 तक उसने टोटल जो टेबल है वो प्रिंट किए हुए हैं। तो अब तक लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है या अगर लूप्स के बारे में या किसी और तरह का प्रोग्राम अगर आप सी के अंदर बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं, इनसे हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, इसको और आगे शेयर भी करें ताकि दूसरों के नॉलेज में इजाफा हो, और इसको लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।